राम राम दोस्तों, आज हम बात करांगे एक ही से बिजली के इंजन के बारे में जो एसी और डीसी दोनों तरह के करंट में चल सके है। तो इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का नाम WCAM3 है। WCAM3 की तीसरी सीरीज है जो सेंट्रल रेलवे ही यूज करे है। तो बात करें WCAM3 की स्पेसिफिकेशन की, तो जो WCAM3 है वो एक बिजली का इंजन है जो एसी और डीसी करंट दोनों तय चल सके है। WCAM3 भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी BHEL ने बनाया है। यो इंजन सन 1997 में इंडियन रेलवे में आया था। इस लोको की सिर्फ 53 यूनिट ही बनाई गई थी। इस लोको ने चलन खातर 25,000 किलोवाट एसी करंट और 15,000 किलोवाट डीसी करंट की जरूरत पड़े है। इस लोको में दो पेंटाग्राफ हैं जिसमें आगे वाला पेंटाग्राफ एसी करंट का है और पीछे वाला पेंटाग्राफ डीसी करंट का है। इस लोकोमोटिव की ट्रैक्शन मोटर इटाची की है। इस लोकोमोटिव का वेट लगभग 113 टन है। ईबीओ लोकोमोटिव एसी और डीसी करंट दोनों तक चल रहा है, तो इस कारण इसकी स्पीड भी एसी और डीसी में अलग अलग है। और डीसी करंट में इसकी स्पीड 105 किलोमीटर है और एसी करंट में इसकी स्पीड 125 किलोमीटर है। तो यह तो बात हुई इसकी स्पीड की। अब बात करांगे इसकी पावर आउटपुट की। तो जुकर इसकी स्पीड एसी और डीसी करंट के हिसाब से अलग अलग है, नुए इसकी पावर आउटपुट भी एसी और डीसी के हिसाब से अलग अलग है। इस लोको की एसी करंट पावर आउटपुट 5300 HP की है और डीसी करंट पावर आउटपुट 4600 HP की है। इस लोको के नंबर 21,881 से 21,900 और 21,931 से 21,963 तक है। तो दोस्तों, क्या थी WCAM3 के बारे में कुछ खास जानकारी। आपने यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइयो और आगे भी इसी और जानकारी खातर थारे अपने चैनल देसी टाइटल ने सब्सक्राइबर जरूर कर लियो। अगर आप खबरी ऐप पर सुनो हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइयो जानकारी किसी लगी और साथ ही चैनल ने फॉलो भी कर दियो। खबरी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ईब मिलांगे अगली जानकारी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।